गे हो गया, वो कहेंगे नहीं 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 आप तो GTA Vice City भी खरीद के खेलो, नो 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 पायरेट। और आज के घोर कलयुग में 25 साल के लौंडे शादी करते हैं। भाई आपके डॉग के बारे में बताओ, बहुत प्यारा है, उसकी स्टोरी बताओ। बाय द वे तुम्हारा सवाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो जिस वीडियो का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था वो मैं आपके लिए ले आया हूँ। और सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, 15 मार्च को मेरा शूट होना था इस वीडियो और 15 मार्च को डालनी थी, फिर एसर एस्पायर आ गया जो तुम्हारे डिमांड पे था, फिर उसके बाद मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है और अभी भी मेरे रूम का सेटअप मुझे पता है मैंने टेम्परेरीली कैसे किया है। तो रात के हो रहा है 12:10 और भाई तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर रहा है क्योंकि दिन में नहीं हो पाती, घर में चल रही है फुल कंस्ट्रक्शन, सबको पता है स्टूडियो बन रहा है नया और भी घर में नए काम हो रहे हैं। तो करते हैं Q&A और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब उठा लिए हैं, बढ़िया बढ़िया, कुछ इग्नोर करते हैं इसमें, बहुत अनसेंड सवाल थे तो ज्यादा देर नहीं करते, फटाफट सवाल उठाते हैं। रैंडमली पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ गया, भाई ये नेवर गिव अप का एटीट्यूड आप कैसे लाते हो वीडियोस बनाने के लिए? भाई साहब मेहनत लगन और अपनी पर्सनल खुशी, बाकी देखो भगवान की दुआ से चैनल तो सही चली रहा, तो अपने आप हिम्मत आ जाती है। नेवर गिव अप। इज योर पेरेंट्स आर हैप्पी विद योर वर्क? मतलब भले ही आप अर्न कर लो, भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके पेरेंट्स आपके काम में साथ नहीं है ना तो आप इतने डिसीजन नहीं ले पाओगे। गे हो गया? नहीं हम गे नहीं है। कैसे कैसे सवाल करते हो यार, मतलब भाई तुम्हारा फुल हैंडसम बन के और बढ़िया, आज देखो बाल वाल कटा दिए, दाढ़ी वाड़ी सेट कर ली और ऐसे मतलब ऐसे के लिए क्यों इन्हें रखा है क्या? अगला क्वेश्चन है, आई एम अ स्मॉल यूट्यूबर सेम निश ऑफ एज ऑफ योर चैनल, हाउ डू यू डील विद हेटर्स प्लीज रिप्लाई। भाई साहब मैं हेटर्स से कैसे डील करता हूं ना, मेरे कॉमेंट्स पढ़ लेना किसी भी वीडियो के, जो भी हेट वाले कमेंट होते हैं ना, बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कोई कोई तो मैं स्क्रीनशॉट भी पोस्ट कर देता हूं आप लोगों को हंसाने के लिए, मेरे को किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता, मजे लेता हूँ। हेटर मिलते तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ तरक्की पे है चैनल, मजा आ रहा है लाइफ में। विच वन इज योर फेवरेट गेमिंग कैरेक्टर, सीरियस सैम, डूम इटर्नल और क्रेटोस? वुड यू स्टॉप प्रमोटिंग क्रैक्ड गेम्स आफ्टर गेटिंग फेम एंड ऑल्सो वॉन्ट मर्क फॉर गरीब गेमर्स? देखो मर्क का तो कुछ कह नहीं सकता, बाकी क्रैक गेम का सीन ऐसा है, जिनको नहीं पता मैं पहले चैनल पे हाउ टू डाउनलोड की वीडियोस डालता था जब चैनल नया नया शुरू किया था, अब वो सारी वीडियोस मैं हटा चुका हूँ बिकॉज उस पर कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक आने का खतरा होता है और एक पे आ भी गई थी, इसलिए मैंने सारी हाउ टू डाउनलोड वाली वीडियोस हटा दी। और ऐसा नहीं है मेरा पर्सनल ओपिनियन चेंज हो गया हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्रैक्ड गेम्स को मैं देखो प्रमोशन की तरह तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ देखो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई ऐसा कोई परचेज नहीं कर सकता, 4,000-5,000 की नई नई गेम्स लॉन्च होती है, छोटी गेम उठाओ 1,500-2,000 की, भाई हर तरीके का बंदा खेलने वाला, जिसको परचेज करनी है परचेज करो, ज्ञान मत दो कि डोंट प्रमोट पायरेसी और ये सब चीजें, और जिसको क्रैक्ड खेलनी है वो क्रैक्ड खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना मजे से खेलो, बाकी आपको सिक्योरिटी रीजन और वो सारी चीजें वो सब यूट्यूब पर बहुत ज्ञान देने वाले लोग मिल जाएंगे, और वही ज्ञान देने वाले लोग होंगे जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स होंगे और लाखों में और मतलब नोटों में खेल लोगे, और वो कहेंगे नहीं 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 आप तो GTA Vice City भी खरीद के खेलो, नो 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 पायरेसी। भाई साहब गलत बात है, अपनी इंडिया की जनता के हिसाब से सोचना चाहिए। आपके चश्मे का नंबर कितना है? वाह 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 वाह, भाई साहब 2 नंबर का चश्मा है, 2 नंबर ये, 2 नंबर है, दोनों आंखों का 2 नंबर है, दूर का चश्मा है, मतलब इस उम्र में दूर का लगता है, और लॉजिकली देखा जाए तो हम अंधे हैं। भाई आपके डॉग के बारे में बताओ, बहुत प्यारा है, उसकी स्टोरी बताओ। बाय द वे लव योर वीडियोस, कीप पोस्टिंग सच ग्रेट कंटेंट, कांग्रेट्स फॉर 25K। जब ये वीडियो बना रहा हूँ अब तो 30 के हो चुके हैं, फिर भी थैंक यू शांतनु भाई। और भाई डॉग का मेरा सीन ऐसा है, जो उसका स्कूबी नाम है, जो रूम टूर वाली वीडियो, जिसने रूम टूर वाली वीडियो देखी वो देखो जाके, उसमें मैंने उसको दिखाया था मेरे रूम में रहता, आज नहीं है बिकॉज मेरे रूम में सब बिखरा पड़ा है, बेचारा बाहर सो रहा है। तो उसका सीन क्या है कि जहां पे मेरा स्टोर है देहरादून में, मैं बिजनेस करता हूं, तो वहां पे जस्ट मैं अपने स्टोर से निकल रहा था, वो आया मेरे पास, मतलब एक स्ट्रीट डॉग था, छोटा सा था, उसके पैर में चोट लगी हुई थी, लंगड़ा टाइप का था, बाल वाल नहीं थे बॉडी पे, मतलब उसकी ऐसी हालत थी कि हाँ वो वाले कुत्ते होते जिसको आप हाथ लगाने पसंद नहीं करते, वो इस टाइप का था, थोड़ा खुजली उजली हो रखी थी। तो वो आया मेरे पास और जब उसने ऐसे मेरे को तो ऐसे देखा ना, ऊपर मुंह कर गया, भाई उसका फेस देख के मैं पिघल गया, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक बैग था जिसमें मेरा टिफिन वगैरह था, मैंने टिफिन निकाला अपने पीछे वाले बैग में डाला जिसमें लैपटॉप रहता है, और मैंने उसको उठाया अपने बैग में डाला और मैं उसे घर ले आया, और तब से अब तक मेरे पास है, ट्रीटमेंट करवाया, सब करवाया, और बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा है, एक भी कुछ भी कह दो ना इंसानों की तरह बात मानता है, हिंदी समझ आती है उसको पूरी। भाई प्लीज मेरा कमेंट ले ले ब्रो, तेरे बोर्ड में कितने आए थे? सॉरी फॉर माय इंग्लिश। भाई पहली बात तो तुमने सब कुछ तो हिंदी में लिखा, आई मीन लिखा इंग्लिश में है बट पूछा तो हिंदी में ही है। 10th बोर्ड्स में आए थे मेरे अराउंड 55-60%, जस्ट बिकॉज मुझे साइंस पसंद नहीं थी, साइंस और हिंदी की वजह से मेरा पूरा रिजल्ट खराब हो गया था, बाकी सब्जेक्ट्स में ठीक था। तो 12th बोर्ड्स की बात बताऊं तो 12th में तुम्हारे भाई के 85% आए थे, वाज अ फुल पावर, सेकंड हाईएस्ट इन द क्लास। हम कॉमर्स के स्टूडेंट है भाई, ठीक है, ज्यादा कोई इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई में इतना मतलब इंटरेस्ट रहा नहीं, ऐसा नहीं है कॉमर्स वालों को पढ़ना नहीं पड़ता, बट हाँ ऑब्वियसली साइंस वालों को ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अब जैसे इस बंदे ने सवाल पूछा, आपने पहले पबजी वीडियो क्यों बनाई एंड देन रिव्यूज क्या था दिमाग में? मतलब ऐसे कि पहले मैंने इसमें पबजी भी खेला है चैनल पे, और पहली वीडियो जो मैंने हटा दी चैनल से, पहली वीडियो थी मैंने एक गेम प्ले डाला था स्पाइडरमैन PS4 का,
और वो भी भाई मैंने रिकॉर्ड करके नहीं डाला, मेरे को पता भी नहीं था PS4 पे रिकॉर्डिंग कैसे होती है, मैं तो सिर्फ गेम खेलता था अपने कंसोल पे। मैंने किसी और YouTube चैनल से गेम प्ले उठाया 5 मिनट का और अपने चैनल पर डाल दिया, जस्ट पहली वीडियो डालने के लिए। 15 मार्च को मैंने पहली वीडियो डाली थी कि हाँ चैनल पे कुछ डाल दूं, और भाई उसके मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ लोगों को, बता रहा हूँ, और फिर आज की डेट में सोचता हूँ कि यार भाई साहब 50 व्यूज आए थे। तो मैंने गेम प्लेस भी डाले हैं चैनल पे, पबजी भी खेला है, लाइव स्ट्रीम भी की है, लाइव स्ट्रीम सारी प्राइवेट कर दी इस चैनल की, अब मेरा लाइव स्ट्रीमिंग का चैनल दूसरा है। फिर अगला क्वेश्चन है, आप यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोलते? भाई बिल्कुल सही क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं भाई लो स्पेक गेमिंग की वीडियो कब रीस्टार्ट करोगे, और मेरे चैनल पे लो स्पेक गेमिंग की अभी भी 2-3 वीडियोस तो हैं। उसमें क्या था कि मेरे पास एक i3 वाला लैपटॉप था और i3 के अंदर उसके अंदर ऑनबोर्ड इंटेल HD ग्राफिक्स थे, तो उसके अंदर मैंने कुछ गेम्स वेम्स चलाए और दिखाए कि लोगों के पास जिनके पास हल्के PC होते हैं, हल्के लैपटॉप होते हैं, कि वो भी गेम खेल सकते हैं। और अब लो स्पेक गेमिंग की वीडियोस तब रीस्टार्ट होंगे जब GTX 1650 लो स्पेक में आ जाएगा, तो तुम्हारा भाई तब वीडियोस बनाएगा, क्योंकि अब तो मेरे पास वो लैपटॉप है नहीं, वो मैंने बेच दिया। अगर उस लैपटॉप के बारे में जानना ना, तो पहली रूम टूर वाली वीडियो देखना, पहली वाली, सबसे पहली, आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा आपको। आर यू मैरिड, व्हाट्स योर एज? 25 साल का हूं मैं, और आज के घोर कलयुग में 25 साल के लौंडे शादी करते हैं? शक्ल से लग रहा मेरी मैं शादीशुदा हूं, मैं गेम खेल रहा होता यहां बैठ के, वीडियो बना रहा होता, बच्चे खिला रहा होता घर में, अगर शादी हुई होती। इस बंदे ने लिखा है तू क्यूटिया ही, मैं समझ रहा हूँ जो तुम बोलना चाह रहे थे, बट आई विल टेक इट एज पॉजिटिव, हेटर्स को डील करो, आई एम क्यूट, थैंक यू। ब्रो आप एक बार मैकबुक गेमिंग के लिए कैसी है? मैंने मना किया था टेक क्वेश्चन मत पूछना, बट तुम्हारा सवाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई तुम्हारा सवाल मेरे को, मतलब मैकबुक में गेम। भाई YouTube चैनल का नाम वेनम स्टैक क्यों रखा? भाई वेनम स्टैक रखने का सीन ऐसा था, जब पबजी पूरा हाइप पे चल रहा था लॉकडाउन से लगभग 6 महीने पहले, तो उस टाइम पर दबा दब तुम्हारा भाई पबजी खेल रहा था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक क्लैन में ऐड कर दिया जिसका नाम वेनम क्लैन, वेनम करके था कुछ, और उसी टाइम वेनम मूवी भी रिलीज हुई थी लगभग लॉकडाउन से लगभग 6-8 महीने पहले हुई थी, हुई होगी जब भी, मतलब 2019 में हुई थी। तो मुझे वेनम कैरेक्टर से हो गया था बहुत एक तरफा वाला ऑब्सेशन, मतलब उस मूवी में टॉम हार्डी का कैरेक्टर देख के और वेनम का कैरेक्टर देख के भाई बहुत ज्यादा फैन हो गया था। फिर मैंने अपने पबजी आईडी भी वेनम शिवम नाम से रख ली थी, और उसके बाद जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला तो मुझे लगा कि नहीं कुछ जहरीला नाम रखा जाए, हम जहरीले टेक वाले हैं भाई साहब, वेनम स्टैक, पहले वेनम टेक एंड गेमिंग करके था चैनल, जो पुराने सब्सक्राइबर को पता होगा, जस्ट अभी वेनम स्टैक किया है। ब्रो व्हाट आर योर हॉबीज अदर देन गेमिंग एंड YT? बाय द वे बिग फैन। भाई अगर हॉबी और कोई होती ना तो मैं YouTube स्टूडियो में खड़े होकर वीडियो नहीं बना रहा होता और गेम ना खेल रहा होता लाइव स्ट्रीम पे, ना ना ना, बहुत इंटरेस्ट है भाई बचपन से, बहुत घर वाले बोल बोल के थक गए, छोड़ा ही नहीं गेमिंग, छोड़नी नहीं भाई साहब, और अब तो टेक से भी बहुत तगड़ा ऑब्सेशन हो चुका है बस अब तो। इसने लिखा अपना सेटअप कितने का है, और ये उसी रूम टूर वाली वीडियो में कमेंट है। भाई वीडियो जब देखी नहीं तुमने पूरी, उस पूरी वीडियो में एक एक चीज का मैंने प्राइस बताया हुआ, तब भी तुमने ये क्वेश्चन लिख दिया, वाह वाह वाह। भाई जब 25K कंप्लीट करने पे कितनी खुशी हुई थी, वैसे तो आज 30K हो गए हैं, बट 25K कंप्लीट होने पे ये मुझे समझ नहीं आया, बट मैंने सोचा कि इसको उठाया जाए। डबल काडू मिलनी यूट्यूब से, इसका मतलब जिसको भी समझ में आया ना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना जरूर मुझे। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा है, ये मैंने पूरा का पूरा एक फोल्डर में डाल दिया, गेमिंग पीसी, $1500 गेमिंग पीसी, विल यू बाय अ पीसी और नॉट, आर यू सेटिस्फाइड विद योर लैपटॉप? भाई पीसी क्यों नहीं यूज करते, व्हाट्स रीजन, आर यू गोना गेट पीसी? भाई आपने दोनों लैपटॉप क्यों लिए, शुड यू हैव बॉट वन पीसी? पीसी बिल्ड कब आएगा? व्हाई डोंट यू बाय एडिटिंग गेमिंग पीसी? व्हाई डू यू प्रेफर लैपटॉप्स देन पीसी? भाई पीसी बिल्ड क्यों नहीं करते? व्हाई यू हैव सो मेनी लैपटॉप्स एंड नो पीसी? आपने पीसी क्यों नहीं लिया? व्हाई डोंट यू यूज पीसी इंस्टेड ऑफ लैपटॉप? पीसी बिल्ड कब देखने को मिलेगा भाई? और ये इसके अलावा लगभग 50-100 कमेंट्स और थे जिसमें पीसी की बात हो रखी थी, तो इन सब लोगों के लिए मेरा एक जवाब होगा, एक नहीं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। बड़े से बड़ा यूट्यूबर है वो iMac यूज कर रहा है, जो डेस्कटॉप वाला मैक होता है, और या फिर मैकबुक प्रो यूज करते हैं, लैपटॉप्स यूज करते हैं फॉर एडिटिंग, बट नहीं मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, इन सबको दिक्कत है। बड़े से बड़े यूट्यूबर ने पीसी बिल्ड किए हुए हैं, कुछ लोग उसमें से स्ट्रीमिंग नहीं करते, जस्ट पीसी पीछे रखा है और बात उनके चैनल पे कुछ और चल रही है, जो भी चल रही है पीसी ले रखा है, मतलब एक पीसी है सेटअप में तो एक अच्छा यूट्यूबर है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, मेरे चैनल पे लैपटॉप ज्यादा इसलिए है क्योंकि इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में लैपटॉप सेंट्रिक चैनल नहीं है, तो मुझे एक यही फील्ड लगी जिसमें मैं एंटर हो सकता था और इसके अंदर मुझे ग्रोथ भी अच्छी खासी मिल गई, और मेरे को कॉमेंट से पता लगता है और मेरी वीडियो पे व्यूज से पता लगता है कि हाँ लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, कोई लोग सजेशन भी देते हैं तो उस सजेशन को भी मैं इंप्रूव करता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ये सब चीजें करता हूं। और बात रही पीसी बिल्ड की, वो मैं करूंगा, और पीसी बिल्ड अपने यूज के लिए नहीं करूंगा, ना 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 ना, मेरे को नहीं चाहिए पीसी भाई, अभी मैं पूरा सेटिस्फाइड हूं। मेरा मेन पीसी बनाने का रीजन यही होगा कि आने वाले टाइम में ब्रांड डील्स आएंगी कुछ प्रोसेसर, कुछ GPU मदरबोर्ड वगैरह की, तो उसके लिए पीसी होना बहुत जरूरी है, एक टेस्ट बेंच पीसी होना बहुत जरूरी है,
वो ही बनाऊंगा बस मैं अपने लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें पीछे एक सीपीयू रखा हुआ दिख जाएगा थोड़े दिन में सेटअप पे, उसमें लाइटें जल लोगे, सारे खुश हो जाइयो, ठीक है? पूरे खुश। अब ये सवाल दोबारा मत पूछ लेना। नाउ रैपिड फायर, आपको क्या लगता है अगर यूट्यूब का सक्सेस का राज मेहनत और लगन? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। आपके पहले वीडियोस पे कितने व्यूज आते थे? 50-100। योर हाइट 5 फुट 5 इंच। अब कुछ तीन ऐसे सवाल जो पुरानी Q&A वाली वीडियो पे रेफर करूंगा। हाउ डिड योर जर्नी स्टार्टेड, पुरानी वीडियो उठा के देख लो, Q&A वाली, उसमें जवाब दिया है। भाई जब लैपटॉप रिपेयर की शॉप स्टार्ट की थी तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? भाई मेरा एक बिजनेस है, और जिसको इस बिजनेस के बारे में जानना है पुरानी Q&A वाली वीडियो देखो, आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा। भाई आपने टेक यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट किया? सेम वही पुरानी Q&A वाली वीडियो देखो। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज योर फुल नेम? सुनते रहना आगे। आपके आगे के प्लान्स क्या है और आपने गेमिंग चैनल चालू करोगे? व्हाट इज योर नियर नेम? आर यू पंजाबी? एज योर एक्सेंट टेल्स यूर पंजाबी। व्हाट डू थिंक अबाउट गेमिंग चैनल? ब्रो प्लेस्टेशन का गेम प्ले क्यों नहीं करते? इन सारे सवालों का एक जवाब, दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइव स्ट्रीम भी होती है, प्लेस्टेशन गेम प्ले भी है, मेरा असली नाम का ही चैनल है वो। तो गाइज ये तो थे सारे सवालों के जवाब, कुछ मिस हो गया हो तो भाई सॉरी। बाकी अगर वीडियो पसंद आ गई तो भाई साहब लाइक मार दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब पहली बार आया तो, बेल आइकन पे ऑल दबाना है बहुत जरूरी, ठीक है? बाय, बंदी वाली बातचीत है, प्यार बने रहना चाहिए एंड तक। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।